नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आप देख रहे हैं इंडिया एट नाइन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहा होने के बाद आज एक बड़ा ऐलान कर राजनीति में हलचल मचा दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दो दिन के बाद वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने मुझ पर बेईमानी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। ये भी कहा कि दो तीन दिन में विधायकों की बैठक में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा और ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया भी कोई पद नहीं लेंगे। और अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने सभी को चौंका दिया। देखिए रिपोर्ट। आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा। तिहाड़ जेल से जमानत पर छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने पहले ही संबोधन में इस्तीफे की बात कर सबको चौंका दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कानून की अदालत से उनको इंसाफ मिला है, लेकिन अब जनता की अदालत से इंसाफ मिलने के बाद ही वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। केजरीवाल ने यह भी बताया कि उन्होंने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया था। मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो, अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इस फैसले के समर्थन में हैं। दिल्ली का दिल है केजरीवाल, दिल्ली का लाल केजरीवाल है और उसको इस्तीफा देना इस बार इसलिए बनता है कि हम इस्तीफा देंगे क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें चुना था और दिल्ली की जनता ने जब चुना था दिल्ली की जनता के लिए ही काम नहीं करने दे रहे हैं, तो इस बार हम बीजेपी को बताना चाहते हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और अगर हमने काम किए हैं तो मुख्यमंत्री बना देंगे और नहीं किया है तो ना बनाएं। देखिए सर, जो कोर्ट का आदेश है उसके उसके माध्यम से काम केजरीवाल जी कर नहीं सकते फिलहाल अभी, लेकिन उसके लिए अगर मान लो कोई और चेहरा आता है तो वो काम करेगा और जो काम करेगा जनता से हम यही बताएंगे कि अब जो काम है आपका कोई काम नहीं रुकेगा, सारे काम होंगे और एक तपस्वी व्यक्ति जो देशभक्त व्यक्ति ही इस्तीफा दे सकता, नहीं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता आज की डेट में। उधर कांग्रेस ने केजरीवाल के इस्तीफे को नाटक बताया तो बीजेपी ने पूछा कि इस्तीफा देने में 48 घंटे का समय आखिर क्यों ले रहे हैं। तो जेल में रहकर तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते। सीएम ना सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है ये केवल एक नाटक है। अब मंगलवार को पहले अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा जो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा। सबकी निगाह इस पर है कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी कौन संभाल सकता है। दिल्ली के मंत्रियों में आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम की चर्चा मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही है।
अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तो उससे ठीक पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल थे और अन्ना हजारे के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ। लेकिन बाद में अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल से अलग हो गए क्योंकि केजरीवाल राजनीति में उतर गए। आज जो अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया उस पर अन्ना हजारे ने कहा कि उन्होंने पहले ही केजरीवाल से कहा था कि राजनीति में मत जाओ, समाज की सेवा करो तो बड़े आदमी बनोगे। अन्ना हजारे का कहना कि मुझे नहीं पता कि अब अरविंद केजरीवाल के दिल में क्या है। कई साल हम लोग साथ में थे, उस टाइम बार बार मैं कह रहा था कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा ये अपने जीवन में आनंद देती है, आनंद में डूबे रह रहा हूँ। लेकिन उसके दिल में नहीं लगा, वो बात आई नहीं। और आज जो होना था हो गया। मैं वो तो उनके दिल में क्या है मैं क्या जाऊँगा। तो अरविंद केजरीवाल अगले दो दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली की जनता, आम लोग क्या इस बारे में सोच रहे हैं, उनको ये फैसला कैसा लगता है, इस पर कुछ लोगों से बात की हमारी सहयोगी प्रेरणा ने। अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ही ये अनाउंस किया है कि वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं और ऐसे में उन्होंने कहा है कि वो अब जनता के बीच जाएंगे और उनसे पूछेंगे, जब तक जनता उन्हें ईमानदार नहीं कहती है तब तक वो वापस से कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, तो उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। अरविंद केजरीवाल ने आज इस्तीफा दे दिया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है, मैं दिल्ली से ही हूँ। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, इस्तीफा दे दिया और क्या आप ये मानते हैं कि वो ईमानदार है, क्या जनता की प्रतिक्रिया क्या है? उन्होंने बोला मैं दो दिन में इस्तीफा दे दूंगा, शायद कल या परसों दे देंगे जी। तो जब उनको जमानत मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि आप फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। तो अच्छी बात है, कोई और बन जाएगा तो जो काम रुके हुए वो तो होंगे ना आगे जी। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है तो उनसे बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, केजरीवाल ने आज सुबह रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया, वो अगले दो दिन में रेजिग्नेशन देने वाले हैं। देखिए, इससे पहले भी वो कई बार इस चीज़ को बोल चुके हैं कि हाँ जनता के बीच जाएंगे, हम फैसला लेंगे, हम करेंगे। लेकिन अब हर बार की तरह इस बार भी वो कितने सच्चाई पे खड़े उतरते हैं ये तो बाद में उनको जनता ही बताएगी। मैम, आपका नाम? कुमोद। क्या कहना चाहेंगी, ये जो इस्तीफा अनाउंस किया है उन्होंने, अगले दो दिन में रेजिग्नेशन देने वाले हैं वो, तो उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट इनके कंपैरिजन देखा जाए नोएडा में, अगर नोएडा में स्कूल्स में बच्चों की फीस इतनी हाई है, पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है फीस की भी, प्लस जो लोकल उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का किया हुआ गरीबों के लिए, ये बहुत ही अच्छा काम किया। तो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो आप मानती हैं कि जो उनका कहना है कि अगर जनता मुझे ईमानदार घोषित करेगी, जनता की अदालत जो है, तो उसके बाद मैं वापस कुर्सी पे बैठूंगा, तो ये कहना उनका सही है? बिल्कुल सही है, अगर जो जनता कहती है तो उनको वापस कुर्सी पे बैठना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जनता उनके साथ है। आप क्या कहना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो उन्हें तो बहुत पहले ही दे देना चाहिए था, लाइक पहले सीएम थे जो कि जेल से अपना सरकार चला रहे थे। तो आई फील कि अगर किसी को भी इन सारे सबूतों के बेस पे ही अंदर रखा गया, इवन पहले जब हाई कोर्ट से उनकी बेल भी ग्रांट नहीं हुई थी, सो दैट मीन्स कि कुछ कंक्लूसिव एविडेंस है तभी उनकी नहीं हुई है। सो एट अ टाइम एज अ रिस्पॉन्सिबल एज अ पार्टी मेंबर अगर देखा जाए बाकी पार्टीज के साथ भी, तो कोई भी सीएम पद पे या कोई भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आता है तो वो पार्टी का प्रेसिडेंट भी नहीं रहता है। सेम केजरीवाल ने दोनों पार्टी की भी कमान अपने हाथ में रखी हुई है, सरकार की भी रखी हुई है, तो अगेन उनकी लाइबिलिटीज बनती थी टूवर्ड्स द पीपल ऑफ दिल्ली, जो कि मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने पूरे ढंग से सही से नहीं की। तो मेरा मानना ये था कि जेल के अंदर से उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए था, उनको वेट नहीं करना चाहिए था कि जेल से बाहर आके, देन अगेन इट्स अ ये वही बात है कि पॉलिटिकल मुद्दा मिल गया बहुत इजीली कि जेल से बाहर आने के बाद कि मुझे बेल मिल गया, अगेन इट्स अ बेल, इट्स नॉट अ प्रॉपर एविडेंस दैट ही इज़ नॉट अ कि उन्होंने कुछ गलत किया है, बट अगेन वी कैन नॉट कन्वे दैट ही इज़ उन्होंने कुछ कन्वे किया। तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया है। अरविंद केजरीवाल का इसके पीछे क्या गेम प्लान है, इस सब पर हम करेंगे बात। एक और बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अगर दो दिन में अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो विधायक दल किसे नेता चुनेगा,
और क्या विधायक दल जिसे नेता चुनेगा अरविंद केजरीवाल की मर्जी से ही चुनेगा या विधायक दल को अपनी मर्जी से भी नेता चुनने का मौका मिलेगा, तो ये अगले दो दिन बाद दिखेगा। दो नामों की बड़ी संभावना है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक है संभावना पहली, अगर हम बात करें आतिशी मुख्यमंत्री की दावेदार हैं अगर अरविंद केजरीवाल हटें दो दिन बाद जो वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की काफ़ी विश्वस्त रही हैं, आम आदमी पार्टी में एक शिक्षित युवा महिला चेहरा हैं, साफ और तेज़ तर्रार छवि है उनकी, महिला मतदाताओं को लुभा सकती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, स्पष्ट बोलती हैं, अफसरों से काम करवाने में दक्ष हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले में जेल में जाने के बाद दिल्ली में एक तरह से सरकार चलाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। वित्त, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, पानी और बिजली जैसे अहम विभाग उनके पास हैं। मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद ये सबसे बड़े विभाग हैं जो आतिशी को दिए गए, जो पहले मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे अधिकतर बड़े विभाग। तो ये पहली संभावना है जो मुख्यमंत्री बन सकती हैं अरविंद केजरीवाल के बाद। एक और संभावना है सौरभ भारद्वाज, दिल्ली के मंत्री हैं, इनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी का एक शिक्षित युवा चेहरा है, विनम्र, सौम्य और व्यवहार कुशल माने जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर विपक्ष पर हमलावर भी हो सकते हैं, आज ही उन्होंने विपक्ष पर बहुत तीखा हमला किया है। आम जनता के बीच लोकप्रिय हैं, लोगों के बीच रहते हैं, पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में रहे हैं, स्वास्थ्य और शहरी विकास जैसे अहम विभाग उनके जिम्मे हैं। सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद स्वास्थ्य जैसा अहम विभाग उन्होंने संभाला और स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसे अहम विभाग हैं जिन पर आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है दिल्ली में सरकार बनने के बाद। अब देखना है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है और या क्या इन दो चेहरों के अलावा कोई तीसरा चेहरा भी सामने आ सकता है, इसे लेकर भी काफ़ी अटकलें चल रही है। इस सब पर ज़्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ हैं दो खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह मेरे साथ हैं और विनोद अग्निहोत्री एक और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है राम कृपाल जी, सबसे पहले सवाल आपसे, अरविंद केजरीवाल ने आज जो इस्तीफे का ऐलान किया कि दो दिन में वो अपना पद छोड़ देंगे, पहले तो दो दिन वो किस लिए ले रहे हैं? अगर उन्होंने इस्तीफा देना है तो जल्द ले सकते हैं, तुरंत विधायक दल की बैठक बुला सकते हैं, और दूसरा इसके पीछे क्या रणनीति है अरविंद केजरीवाल की? देखिए सुशील जी, मैं तो अब वो दो दिन उन्होंने क्यों लिया है इसके बारे में तो मैं कोई कयास नहीं करूंगा। जाहिर सी बात है कि लोगों से बड़े अभी अभी उनको आए हुआ है तो हो सकता है एक दो दिन वो लेना चाहते हों, हालांकि चलेगा वही जो अरविंद केजरीवाल चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का यह फैसला मैं एक तरह से ये कहूंगा कि जिन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल आए हैं, मैंने पहले दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं। तो अगर आप देखिए कि आप बाहर जा सकते हैं लेकिन ना आप फाइल पे साइन करेंगे, ना सचिवालय जाएंगे, ना किसी से मिलेंगे, खैर गवाहों से तो नहीं मिलने का तो वो तो एक स्वाभाविक होता है, साक्ष्यों के साथ कोई वो नहीं करेंगे, ऐसा तो रूटीन होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में आप काम नहीं करेंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा कि आपदा में एक तरह से, और एक बात, जो केजरीवाल जी का जो मेन कंटेंशन था वो बेल के लिए नहीं था, शुरू से वो कह रहे थे कि मेरी गिरफ्तारी ही इलीगल है। तो ये जो उनका मेन कंटेंशन था कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, उसको कोर्ट ने नहीं माना, बेल उनको जरूर मिल गई है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी केजरीवाल जी संकट से बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन आपदा में अवसर उन्होंने ढूंढा है, ये मैं कहूंगा, बहुत क्लेवर है। और आज की तारीख में अगर मान लीजिए केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते तो मैं समझता हूं कि जनता में शायद यही हिम्मत जाती कि जो कुछ भी है, लेकिन अब वो एक सहानुभूति, देखो मैं पद छोड़ भी सकता हूं, तो अब कितना दिन बचा हुआ है, अब तो मुश्किल से 5 महीने हैं, तो इसमें आप जब फाइल पे साइन भी नहीं कर सकते तो इस मौके का फायदा उठाइए। अब वो पार्टी पर पूरी तरह से ध्यान देंगे और ऑब्वियस है कि दिल्ली में जो सरकारी फैसले भी होंगे वो जो चाहेंगे वही होंगे, वो अलग बात है, फाइल पर साइन वो पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करेंगे। तो ऐसे माहौल में मुझे लग रहा है कि अब वो एक आगे 2000 अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उसको सोच रहे हैं कि अगर मैं वो जीत गया, अगर ये जीत गए तो फिर ये कोर्ट में
ये दायर कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हटाए जाए। हालांकि उनके जीतने से वो बेदाग नहीं साबित हो जाएंगे, लेकिन हाँ वो ही अपील कर सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट फिर बदली परिस्थितियों में क्या कर सकती है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कोर्ट ढील दे सकती है क्योंकि एक फिर से दोबारा निर्वाचित प्रतिनिधि को आप उसके जो विधायी कार्य है उससे रोक नहीं सकते हैं, नॉर्मल लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस से मुझे लगता है। तो अरविंद जी का ये कहूंगा कि आपदा में उन्होंने एक अवसर की तलाश की है, अब इसका नतीजा क्या होता है आगे देखेंगे। और रही कि कौन होगा किसको होगा, तो अभी तक तो ये नेचुरल था जब उन्होंने जेल से कहा था कि झंडा 15 अगस्त को आतिशी जी ही फहराएंगी, तो कहीं ना कहीं से वो आतिशी जी को लेकर के ये बात है कि अगर वो अभी तो लगता आतिशी जी नंबर वन पे हैं। सौरभ भारद्वाज भी बहुत ही सौम्य है और बहुत सुलझे हुए हैं जैसा आपने कहा, वो भी हो सकते हैं। लेकिन एक तीसरा नाम भी चल रहा है कि शायद ये जो एक कयास है कि दो दिन का जो समय मांगा है, हो सकता है विधायकों को कन्विंस कर रहे हो सुनीता केजरीवाल, लेकिन ये बात मेरे गले में नहीं उतरती, ये दूर की कौड़ी है। मैं नहीं समझता केजरीवाल जी ने जो आज सिंपैथी गेन की है, अगर वो सुनीता केजरीवाल जी को करेंगे तो मुझे लगता है वो सिंपैथी कमा दे। जी, आपको लगता है कि अगर सुनीता केजरीवाल का नाम वो आगे करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर तो जो सिंपैथी उनको मिली है वो नहीं रहेगी, और लोग भी कहेंगे कि यहाँ भी परिवारवाद हो गया। विनोद जी, आप किस तरह से देखते हैं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के इस ऐलान को कि मैं दो दिन बाद इस्तीफा दूंगा? दो दिन का समय उन्होंने किस लिए लिया? जैसे कांग्रेस का कहना है कि दो दिन किस लिए, अभी आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी का ये भी कहना है कि कोई हमदर्दी नहीं है, वो तो पहले उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए था। क्या गेम प्लान देखते हैं आप अरविंद केजरीवाल का इस पूरे घटनाक्रम के पीछे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही चतुर सुजान राजनेता है और उनके दांव वो मतलब क्या होंगे सबसे ज्यादा वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने जब ये फैसला लिया है तो बहुत सोच विचार के लिया है क्योंकि आने वाले, जैसा कि रामगोपाल जी भी कह रहे थे, 4-5 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे विधानसभा के, और उन विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री रहते हुए जाते हैं, आम आदमी पार्टी जाती है, तो 10 साल की उनकी सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी जो हर सरकार के साथ होती है, चाहे कितनी भी अच्छी सरकार चले, एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है, एक तो वो रहेगा। दूसरा, जो भाजपा का आरोप है शराब घोटाले को लेके, वो एक बैगेज रहेगा। तीन, दो बैगेज के साथ चुनाव में जाना वो बड़ा एक मुश्किल का काम होगा। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने एक रणनीति के तहत एक ये नैतिक आवरण या नैतिक दांव शुरू किया कि भाई मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, मैं तो पद छोड़ सकता हूं, और जेल से देखिए जमानत भी मुझको मिल गई, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, अब जमानत के बाद मैं बना रह सकता था, लेकिन मैं छोड़ रहा हूं, यानी मुझे पद का लालच नहीं है और मैं चाहता हूं कि दिल्ली की जनता इसके आधार पर फैसला करे। और उन्होंने अपने को सामने खड़ा कर दिया और एक इमोशनल कार्ड वो खेलेंगे पूरे चुनाव में कि भाई बताइए मैं आपके लिए ईमानदार हूं कि बेईमान, अगर मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत दीजिए, ईमानदार हूं वोट दीजिए। यानी उन्होंने अपने केस पर, अपने छवि पर एक रेफरेंडम जो है उसकी तैयारी कर ली है अरविंद केजरीवाल ने। अब अगर जनता उनको जिता देती है चुनाव में मान लीजिए, तो वो उनके पास एक नैतिक आधार हो जाएगा, देखिए जनता ने फैसला कर दिया, और कोर्ट का फैसला आता रहेगा लेकिन जनता ने फैसला कर दिया। तो कुल मिलाकर के फिर वो आगे की राजनीति के लिए अपने को और ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे। दूसरी वजह यह है कि भाई कोर्ट ने तमाम पाबंदियां जो लगा रखी हैं उसके चलते दिल्ली में काम तो सफल हो ही रहा है, तो ऐसे में अगर कोई मुख्यमंत्री जो उन्हीं का नामित होगा वो आएगा, उससे उसके जरिए वो एक नया नैरेटिव बनाएंगे, क्योंकि देखिए 2014-15 के चुनाव में बिजली पानी का चुनाव उस पर वो जीते, बिजली पानी मुफ्त देने के वादे के साथ। 2020 में उस वादे का जो असर था उसने उनको जिताया थम्पिंग मेजोरिटी से। अब लोगों को बिजली पानी के आगे सोचना है, बिजली और शिक्षा के आगे, तो कुछ नया नैरेटिव भी उनको करना होगा, कुछ नई योजनाएं नई घोषणाएं करवानी होगी जो भी इनकमबेंट चीफ मिनिस्टर जिसको बनाएंगे, तो वो भी एक चुनाव में उनके लिए मुद्दा बनेगा, हथियार बनेगा। और तीसरी बात यह है कि वो इसके जरिए एक वो भी पेश करना चाहते हैं कि साहब देखिए भारतीय जनता पार्टी हमारा इस्तीफा मांग रही थी, हमने दे दिया इस्तीफा, अब भाजपा चुनाव कराए अगर उसको ज्यादा भरोसा है जनता के ऊपर। और गेंद उन्होंने केंद्र सरकार के बारे में डाल दी कि अगर आपको डर नहीं है तो आप चुनाव करा लीजिए, और नहीं तो मैं मेरा तो इस्तीफा हो ही चुका है,
तो भाजपा भी अचकचा गई है, असहज हो गई उनके नेताओं से, क्योंकि कल तक तो भाजपा के सारे नेता इस्तीफा मांग रहे थे उनका, आज उन्होंने इस्तीफे देने की घोषणा कर दी। अब बीजेपी क्या करे, अब बीजेपी ने खाली उनके इस्तीफे को नाटक बताना शुरू कर दिया। तो जाहिर राजनीतिक दांव तो है ही, और देखिए सुशील जी, इस्तीफों की राजनीति इस देश में बड़े गुल गुलाबी रही है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, केंद्रीय मंत्री बने, भविष्य में प्रधानमंत्री बने आगे चल करके। अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया हवाला में, और उसके बाद, लेकिन अडवाणी जी की मैं तारीफ इसलिए करूंगा कि उन्होंने ये घोषणा की कि जब तक मैं बरी नहीं हो जाऊंगा इस मामले में, मैं संसद नहीं आऊंगा, और उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया उससे उनके साथ, तब वो आए। अरविंद केजरीवाल ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, क्योंकि बरी तो व्यक्ति जनता की अदालत से नहीं होता है, कानून की अदालत से होता है, तो बरी तो उनको अदालत से ही होना पड़ेगा फाइनली। इसी तरह सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस अध्यक्ष पद से, शरद पवार ने उठाया, उसके बाद सोनिया जी की राजनीति कितनी आगे बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं जब वो अरविंद के उन्होंने इस्तीफा दिया, अरविंद केजरीवाल को लगता है कि इस देश में काफी गुल खिलाते रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत जमाने से वही एक दांव एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के बीच में चला। जी, अरविंद केजरीवाल को लगता है कि शायद उनके इस इस्तीफे को जनता त्याग की तरह देखे, जो सियासत में बहुत देखने को नहीं मिलता। बहुत कम लोग जो हैं इस्तीफे देते हैं, और बड़ा हमने तमाम लोगों को देखा है कि इतना आसान नहीं होता किसी से सत्ता से दूर होना। अरविंद केजरीवाल ने किस रणनीति के तहत किया वो बेहतर बताएंगे, लेकिन एक सवाल आप दोनों से, और हरियाणा के चुनाव हैं और अरविंद केजरीवाल खुद को हरियाणा का बेटा बोलते हैं, ये जमानत पर बाहर आना और दिल्ली का भी एक तरीके से मे भी एक तरह से ये कहना कि मैंने वहाँ भी त्याग किया है, इसके बाद हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका होगी, किसको नुकसान और किसको नफा होगा इससे? रामकृपाल जी आप पहले अगर बताएं। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह के रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से आए हैं, और हुडा जी ने भी जिस तरह से बड़ी ही उसको कहते हैं कि ऐसे ही प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि मतलब इसको कोई वेलकम नहीं किया, उन्होंने कहा कि ठीक है उनका इस्तीफा देना था तो दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, आप पार्टी का हरियाणा में कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है पिछले दिनों, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पिछले प्रदर्शन के आधार पर आप आने वाले समय की कोई बहुत वो नहीं कर सकते। बंगाल में बीजेपी 3 सीटें थी, 73 हो गई, कौन जानता था, बहुत सब इस तरह होता है। दूसरी बात, हरियाणा और दिल्ली बिल्कुल मिले हुए हैं। अगर ये सिंपैथी दिल्ली में उनको मिल रही है तो निश्चित जानिए कि हरियाणा में भी सिंपैथी मिलेगी। वो सिंपैथी कितना वोट में कन्वर्ट होती है ये अलग की बात है। मैं भी ये मानता हूं कि जो कांग्रेस की पोजीशन है वो आपकी दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है, लेकिन कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी काटेगी, आपको लगता है ऐसा? हाँ, मेरा यही कहना है कि देखिए, होता क्या है कि सीट मिले ना मिले, लेकिन अगर 5-10% या 2-4% वोट भी अगर जाता है तो उसमें से ज्यादातर वोट तो कांग्रेस का यानी एंटी बीजेपी वोट जो होगा वही डिवाइड होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बीजेपी को भी हो सकता है डेंट वोट, लेकिन ज्यादा अगर डेंट होगा तो कांग्रेस को। विनोद जी, आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या राय है? जी, मेरी राय थोड़ी सी रामगोपाल जी से भिन्न है। मेरा मानना है कि असर वहां पड़ता है जहां मेजर प्लेयर हो। हरियाणा में आम आदमी पार्टी प्लेयर नहीं है, जैसे हिमाचल में प्लेयर नहीं थी, और हिमाचल का जब चुनाव हुआ था तो अरविंद केजरीवाल पर कोई आरोप भी नहीं था, वो तो बहुत ही साफ सुथरी छवि के साथ चुनाव में आम आदमी पार्टी उतरी थी, और वहां क्या परिणाम हुआ? उत्तराखंड में जब चुनाव हुआ तब भी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बहुत बेदाग पार्टी थी, ईमानदार पार्टी थी, कट्टर किसी तरह का आरोप नहीं था, तो उत्तराखंड में भी देखिए क्या नतीजा निकला। इसी तरह हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई बहुत प्लेयर नहीं है, और ना ही आम आदमी पार्टी ने वो सतत प्रयास किया है जैसे उसने पंजाब में किया था। पंजाब में 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं अपेक्षित परिणाम दे पाई थी, 21-22 सीटों पर चिपट गई थी, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में आम आदमी पार्टी लगातार लगी रही, जुटी रही, और उसका नतीजा 2022 के चुनाव में सामने आया। तो हरियाणा में वैसा उसने कोई प्रयास नहीं किया उस तरह से, और अभी तो गठबंधन की बात चल रही थी कांग्रेस के साथ, लगभग वो तो टूट गई। मुझे लगता है कि देखिए, आम आदमी पार्टी अपने 89 सीट चुनाव लड़ रही है, वो लड़ेगी, अपना वोट परसेंटेज थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेगी, और उधारी तलवार है, वो वोट खाली कांग्रेस का ही नहीं काटेगी, वो बीजेपी का भी उतना ही वोट काटेगी, क्योंकि जो बीजेपी जो कोशिश कर रही है जाट वर्सेस नॉन जाट को पोलराइज करने की, उसमें जो नॉन जाट वोटर है वो उस पर उसका भी जो परसेंटेज
आपकी तरफ जा सकता है, पार्टी को मिलेगा माननीय शहरी वोट खास करके शहरों में, तो वो बीजेपी का नुकसान होगा। तो वो दोनों, दूसरा क्या है कि देहातों में आम आदमी पार्टी उतनी स्ट्रांग नहीं है वोट काटने की स्थिति में। कांग्रेस का तो जनाधार हरियाणा में सब है आज की तारीख में, वो देहात में ज्यादा है, शहर में कम है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कांग्रेस का इतना कोई नुकसान आम आदमी पार्टी कर पाएगी। इसीलिए कांग्रेस ने गठबंधन की जब बात चल रही थी तो पूरी हरियाणा कांग्रेस का कहना था कि गठबंधन हो जाए तो ठीक, न हो जाए तो और भी ठीक। जी बहुत 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 शुक्रिया विनोद जी, आपकी बात की बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कांग्रेस को। रामकृपाल जी, विनोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन सियासत संभावनाओं का खेल है, नहीं कह सकते। हरियाणा से दिल्ली की भी सीमा लगी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, हरियाणा से पंजाब की भी सीमा लग गई है और वहाँ भी आम आदमी पार्टी। अब देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी कोई गुल खिलाती है या नहीं। बहुत ही दिलचस्प है ये सियासत। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम चलेंगे हिमाचल, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मस्जिदों का विवाद हिमाचल प्रदेश में क्यों और कैसे इतना बढ़ गया है। वक्त है एक ब्रेक का। हिमाचल प्रदेश एक शांत पर्वतीय राज्य है और सांप्रदायिक सौहार्द अमूमन वहां बना रहा है। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं वहाँ देखने में नहीं आती, लेकिन पिछले कुछ समय से एक मस्जिद को लेकर वहाँ काफ़ी विवाद हुआ है। मस्जिद में अवैध निर्माण है, ये बात खुद मस्जिद की कमेटी ने भी मानी, लेकिन उसे लेकर जनता इतना सड़कों पर क्यों उतर आई, जनता में इतना गुस्सा क्यों है? और ये सिर्फ शिमला की बात नहीं है, ये राज्य के करीब 5 जिलों में दिख रहा है। कई जगहों पर मस्जिदों को लेकर विवाद हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की मस्जिदों में अवैध निर्माण को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। शिमला से सटे सुन्नी, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर जिले के पावंटा साहिब और मंडी के सुंदर नगर में हिंदू संगठनों ने शनिवार को आक्रोश रैली निकाली। ये संगठन शिमला के संजौली मस्जिद खिलाफ प्रदर्शन में पुलिस लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे। संजौली से शुरू हुआ विवाद अलग अलग जिलों तक पहुँच रहा है। कुछ और मस्जिदों के बारे में भी अवैध निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं। विवाद शिमला के संजौली से ही शुरू हुआ। 2010 से पहले 2 मंजिला कच्ची मस्जिद थी, 2010 के बाद 3 मंजिला अवैध निर्माण हुआ। नगर निगम शिमला कमिश्नर ने 35 बार मस्जिद कमेटी को नोटिस दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 11 सितंबर को जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर नगर निगम को लिखकर कहा कि अगर कोर्ट आदेश देती है तो वे खुद 3 फ्लोर को तोड़ देंगे, तब तक मस्जिद के ये 3 फ्लोर सील कर दिए जाएं। उधर मंडी के जेल रोड पर बनी एक मस्जिद में अवैध निर्माण पर विवाद है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। बाद में मामला नगर निगम आयुक्त कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने 13 सितंबर को मस्जिद के ऊपर के 2 फ्लोर को अवैध करार दिया और इसे तोड़ने के लिए 30 दिन का समय दिया। मस्जिद की बाउंड्री भी पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी है। विवाद बढ़ने पर मुस्लिम समुदाय ने एक हिस्सा दीवार का खुद तोड़ना शुरू कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद का नक्शा पास नहीं था। ये लाल निशान यह बताने के लिए काफी है कि ये जो निर्माण यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अवैध हुआ है। दरअसल ये लाल निशान यहाँ के प्रशासन के द्वारा लगाया गया है। नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने इस मस्जिद के बाहर जो ये अवैध निर्माण हुआ था इसको 30 दिन के अंदर हटाने के लिए कहा है। हालांकि जब ये आदेश हुआ तो मस्जिद के जो लोग थे उन्होंने इस दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। आप देखिए यहाँ दीवार का कुछ टूटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा। ईंटें यहाँ पर तोड़ दी गई हैं, दीवार बन रहा था उसको यहाँ पर हटा दी गई और ये जो बाउंड्री थी इस जगह पर आप देख रहे हैं इस बाउंड्री को भी यहां से तोड़ दिया गया है मस्जिद का, ताकि ये जो अवैध निर्माण है इसे हटाया जा सके। पहले छोटी सी थी, गुबंद लगे हुए थे, फिर अब इन्होंने साल भर पहले उखाड़ा, इसको 2 मंजिले तैयार कर दी। विरोध ऐसे कि जल्दी तैयार कर दी ऐसे बगैर नक्शे से, क्या क्या चक्कर है। शिमला जिला के सुन्नी में कथित अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि सुन्नी में प्राचीन काली माता मंदिर के 200 मीटर नजदीक मस्जिद बनाई गई है जो कि अवैध है। मंदिर के 200 मीटर के दायरे में मस्जिद बनाई ही नहीं जा सकती।
लोगों का कहना है कि पहले घर बनाया गया फिर उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। उधर शनिवार 14 सितंबर को कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि यहाँ मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से किया गया और क्षेत्र में अतिक्रमण किया जा रहा है। विरोध करने वाले लोगों ने प्रशासन से इस अवैध निर्माण को तुरंत हटाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में ये मारपीट के विवाद है, इलीगल कंस्ट्रक्शन के विवाद है जो लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये समस्या कोई कम्युनल समस्या नहीं है, कोई सांप्रदायिक समस्या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मारपीट, इलीगल कंस्ट्रक्शन और बाहर से आने वाले लोगों से जुड़े मामले हैं। बिलासपुर जिले के घुमारवी में भी मस्जिद के अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है। हिंदू जागरण मंच ने आरोप लगाया कि घुमारवी के बड्डू मोहल्ले में मस्जिद सरकारी जगह पर बनाई जा रही है, इसके लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई। फिलहाल कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती बड़ी संख्या में शिमला के संजौली मस्जिद इलाके में की गई है। विशाल पांडे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो चाहे वो शिमला हो, मंडी हो, घुमारवी हो, कुल्लू हो, सब जगह मस्जिदों को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे शिमला गए हैं इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट के लिए। विशाल इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, ये पूरा मसला मस्जिदों के इर्द गिर्द ही ज़्यादा देखने में आ रहा है, हालांकि अतिक्रमण तो मंदिरों के इर्द गिर्द भी होता है, बहुत हम देखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों के आसपास क्यों ये बवाल इतना मच रहा है? सुशील, देखिए, मैं मंडी और शिमला दोनों जगह पर गया जहां पर ये विवाद हुआ है। मंडी की जिस मस्जिद को लेकर विवाद हुआ और शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ है, शुरुआती जो ये पूरी लड़ाई थी वो एक मारपीट से शुरू हुई थी। एक स्थानीय युवक को कुछ लोगों ने मारा पीटा था और उसके बाद वो जाके संजौली की मस्जिद में छिप गए थे, जिसके बाद से इस विवाद ने पूरा एक बड़ा रूप ले लिया। लेकिन सिर्फ ये जो आंदोलन हम देख रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ मस्जिद का अवैध निर्माण ही नहीं कहा जा सकता है। जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत के तो उनका यह मानना है कि बड़ी संख्या में पिछले कुछ सालों में हिमाचल प्रदेश में बाहर से आकर लोग बस गए हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो यहां पर तमाम जगहों पर आकर काम करते हैं। एक अगर कोई अपना किराए पे घर लेता है तो वहां पर 10 से 15 आधार कार्ड बन जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें पिछले कई सालों से हिमाचल प्रदेश में लगातार चली आ रही थी, जिसका कह सकते हैं कि एक बड़ा आक्रोश यहां सड़कों पर दिखाई पड़ा है। और तमाम लोगों से जब हमने पूछा तो उनकी मांग यही थी कि लोग बाहर से आए यहां पर काम करें रहें, लेकिन उनका प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन हो ताकि उनकी जानकारी यहां मिल सके, कौन कहां से आया है और किस काम के लिए आया है। लेकिन यहां पर अब एक के बाद एक कई मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर खबरें सामने आ रही है। हमने मंडी को भी देखा है, शिमला के भी मस्जिद को देखा है, कुछ और जिलों में भी आज प्रदर्शन हुए हैं। तो आने वाले दिनों में अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार किस तरह से मुहिम चलाती है, इस पर ध्यान देने की बात होगी। लेकिन जनता में काफी गुस्सा है जो स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश के हैं। सुशील जी, जनता में काफ़ी गुस्सा है और मस्जिदों का जो अवैध अतिक्रमण है वो निश्चित ही गलत है। क्या इस तरह की भी कुछ बात हो रही है कि इस तरह का जो अवैध अतिक्रमण है और भी धार्मिक इस तरह के जो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो, अगर उन्होंने भी किए हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि कानून तो सबके लिए एक समान है। सुशील, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अवैध निर्माण के खिलाफ जहां भी शिकायतें आ रही हैं, जो हमने यहां पे लोगों से बातचीत की, तो अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन ज़रूर होना चाहिए, ऐसा यहां के लोगों का मानना था जो स्थानीय लोग थे। लेकिन अगर इस मौजूदा विवाद को देखें तो शिमला के संजौली मस्जिद से लेकर मंडी की जिस मस्जिद तक यह विवाद हुआ है उसमें खुद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आगे आकर अपने अतिक्रमण को हटा रहे हैं, उस अवैध निर्माण को हटा रहे हैं। लेकिन लोगों का जो गुस्सा दिखा, जो सड़कों पर उतरे, वो सिर्फ एक यही कारण नहीं था, इसके पीछे पिछले कई सालों के कारण रहे हैं, जिसको लेकर खुद जो कांग्रेस सरकार के मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में वो भी इस बात को सदन में स्वीकार कर रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि हिमाचल प्रदेश, जो कि बहुत शांत राज्य हमेशा से रहा है, जैसा कि आपने बताया कि वहां पर जो सामाजिक सौहार्द है उसको बनाए रखने के लिए दोनों समुदाय, सरकार और राजनीतिक दल किस तरह से आगे आते हैं और कैसे यहां पर शांति बनी रहे, इस पर जोर देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन राज्यों में शांति और सौहार्द बना रहता है वो हर कीमत पर वहां बने। इस तरह के जो तनाव हैं वो अक्सर तब ज़्यादा पैदा होते हैं जब अतिक्रमण होता जाता है और कोई उन पर कार्रवाई नहीं होती। तो अतिक्रमण जो भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई अगर समय पर हो तो यहाँ तक स्थिति नहीं पहुँचेगी।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद बिल्कुल दिल्ली से लगा हरियाणा का इलाका है और बरसात में जो हाल दिल्ली के कई इलाकों का होता है, अधिकतर इलाकों का होता है, फरीदाबाद में भी वैसा देखने में आता है और इस दौरान कई हादसे भी होते हैं। और फरीदाबाद में शुक्रवार को एक ऐसा ही हादसा हुआ, दो बैंकरों की डूबकर मौत हो गई एक अंडरपास में। वो अपनी गाड़ी लेकर के अंडरपास के करीब गए और अंडरपास में पानी भरा हुआ था, इसके बावजूद उन्होंने गाड़ी को क्रॉस करने की कोशिश की। दो बातें हैं, एक उन्होंने गाड़ी से उस अंडरपास को पार करने की कोशिश क्यों की जब वहाँ पानी भरा था, और दूसरा अंडरपास में पानी भरा ही क्यों था। ये हर बार की स्थिति है कि उस अंडरपास पर पानी भर जाता है, नगर निगम को सब दिखता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। यही नहीं, जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद भी काफ़ी देर तक नगर निगम जागा नहीं, वहाँ के अधिकारी बात करने को तैयार नहीं हुए। एनडीटीवी की टीम ने लोगों से बात की तो सामने आया कि ये पहला मामला नहीं है, इस अंडरपास में पहले भी लोगों की मौत हो चुकी है। ये खास रिपोर्ट देखिए फरीदाबाद से। शुक्रवार से रविवार हो गया, अंडरपास में भरा पानी किसी तरह साफ करा लिया गया, लेकिन इस दौरान जो हुआ है वो बहुत भयावह था। एक बार फिर बेपरवाह सिस्टम और बद इंतजामी की पोल खुल गई। शुक्रवार रात को ओल्ड फरीदाबाद में अंडरपास के नीचे एक गाड़ी डूब जाती है, दो बैंकरों की पानी में डूबकर मौत हो जाती है, लेकिन रविवार तक यहां का पानी साफ नहीं हो पाता है। अभी भी दो दिन बाद ये स्थिति है कि अभी पूरी तरह से पानी नहीं सूखा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और यहाँ से जाने की लोगों के लिए मुश्किल है। और ये कोई पहली बार ये नहीं हुआ है, जब भी बारिश हो रही है यहाँ पे आए दिन इस तरह की जो है घटना, जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में, अहम बात है कि बड़ी संख्या में यहाँ लोगों का आवागमन होता है, चारों साइड से लोग जो है, आप राइट साइड देखेंगे, आपको जो सामने तस्वीर दिख रही है वहाँ भी देखेंगे, या आप मेरे लेफ्ट साइड देखेंगे या मेरे बैक साइड, चारों जगह से यहाँ मूवमेंट होती है और चारों जगह से यहाँ पे लोगों की गाड़ियों का निकलती है। उसके बावजूद यहाँ पर जो है यहाँ पानी भरा हुआ था और उसके बावजूद भी यहाँ पे ये घटना हो गई। दो दिन बाद की आप तस्वीर देख रहे होंगे कि अभी तक यहाँ पर पानी सूखा नहीं है। और वो देखिए ऊपर रेलवे लाइन है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो आपको वहाँ पे रेड, माफ़ कीजिएगा, ये ब्लैक और वाइट वहाँ पे आपको पिलर दिख रहा होगा, वहाँ तक पानी भरा हुआ था और उसके बावजूद जो है यहाँ पर जो है इस घटना को, ये घटना हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बार की नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि साल 2012 में अंडरपास बना था, बारिश में हर साल ऐसा ही होता है, कभी किसी की मौत हो जाती है, पानी में गिरकर कई लोगों को गंभीर चोट भी लग चुकी है। हमेशा होता है जी, पहले भी एक आदमी मर चुका पल्ली तरफ, दुर्घटना है ये हो गए होंगे दो एक साल हो गए होगा उसको भी। पल्ली तरफ ड्यूटी करके आ रहा था, वो बस ड्राइवर था, खाना खाने के लिए आ रहा था, ऊपर से पार कर रहा था, पैर फिसल गया, नीचे गिर गया, फुटपाथ में पत्थर सिर लगा, खत्म हो गया। अंडरपास को या तो बंद करा जाए क्योंकि पहली मौत नहीं है इसमें, इसमें कम से कम 8वीं 10वीं मौत हुई है इस अंडरपास में। ये हाईलाइट इसलिए हो गई क्योंकि ये बड़ी गाड़ी डूबी है इसमें। नहीं नहीं, 8वीं 10वीं कब से ये, मतलब ये पूरा वाक्य कब बना, ये 2012 से बना हुआ है। जब भी इसमें पानी, हाई बारिश होगी तो पानी भरना, यहाँ तक पानी भर जाएगा, क्योंकि भर इसलिए जाता है क्योंकि जो सेक्टर का पूरा पानी है ना वो घूम के यहीं आ रहा है, पानी यहाँ का पूरा पानी यहीं आ रहा है। जो LNT ने काम कराया ना, यहाँ LNT ने काम करा, वो पानी वहाँ जाता, जाने के लिए बोला था कि वहाँ जाएगा बड़गल झील में, LNT का कहीं से कहाँ पानी रुका हुआ है, जो पानी अपने जा नहीं रहा है यहाँ से, वो पानी पार्क में जाता है, घूम के वापस इसी में आ जाता है। इसका मेन टॉपिक ये है कि या इसमें किसी प्रशासन किसी की गलती, इसमें इंजीनियर्स की गलती है। इसको इस तरीके से बनाया गया कि इसका कोई समाधान ही नहीं है, इसमें पानी आना ही आना है। अंडरपास में लाइट तक नहीं है। लोगों का कहना है कि बैंकरों की गाड़ी डूबने से करीब 2 घंटे पहले भी एक लड़की की कार फंस गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने मिलकर उसे बचा लिया। लोगों का कहना है कि नगर निगम कुछ नहीं सुनता। हमने यहाँ सफाई करना था, बोला या तो इसका समाधान कर दो, मैंने इसे बंद करवा दो। हमारे गांव के बुजुर्ग है यार, बुजुर्ग बोल ही तो सकते हैं, अब इसमें आगे काम तो करेंगे। जो कमिश्नर है, वरिष्ठ अधिकारी, उनसे कभी आप लोग मिले? दो तीन बार मिले भी है, ऐसे तो बहुत मुद्दों पे मिले हमें कि यहाँ कभी ओवरफ्लो हो जाते पानी, फिर इसमें आ जाता है, वहाँ का पानी ओवरफ्लो भी हो जाता है, वहाँ का संतनगर है, यहाँ का ओवरफ्लो पानी अब अभी रिपोर्टिंग करना है, उसके बाद भी आना, कभी भी कंटिन्यू उसमें पानी चलता रहेगा वहाँ का पानी। इस अंडरपास के रखरखाव का जिम्मा फरीदाबाद नगर निगम का है, लेकिन नगर निगम की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। हमारी टीम शनिवार को भी दफ्तर पहुंची,
रविवार को भी दफ्तर पहुंची, लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ मिला। किसी भी अधिकारी ने फोन तक नहीं उठाया। हम पहुंचे हैं इसमें जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद का ऑफिस है वहाँ पे, और यहाँ देखिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, उसके बावजूद यहाँ पे लोग छुट्टी के मूड में हैं, वीकेंड्स का आनंद ले रहे हैं। कल तक तो यहाँ पे ताला ही बंद था और आज ताला खुला है, लेकिन अंदर की जो तस्वीर है, गाड़ियाँ खड़ी हैं लेकिन कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, न कोई यहाँ बहुत कर्मचारी मौजूद हैं। पूछने पर ये बताया जा रहा है कि शनिवार संडे छुट्टी है, तो तमाम जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। कमिश्नर जो मैडम यहाँ पे हैं वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं और उनको लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। तो जो यहाँ से जुड़े लोग हैं उनका ये कहना है कि छुट्टी के टाइम पे मैडम से जल्दी मुलाकात नहीं हो पाती है, और एक जो सबसे अहम चीज़ है कि पास में ही उनका कैंप ऑफिस है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि वो वहाँ पे कम समय ही रहती हैं, वो अधिकतर दिल्ली रहती हैं। तो इस घटना के जो जिम्मेदार लोग हैं, सोचिए वो किस तरीके से सोए हुए हैं। शनिवार और रविवार छुट्टी का दिन होता है, लेकिन सवाल यह है कि इतना भयंकर हादसा हो जाता है तो क्या किसी अधिकारी को नहीं पहुंचना चाहिए था? सवाल यह भी है कि आखिर कब तक हादसों पर आंख मूंद ली जाएगी, कब तक चुप्पी साधी जाएगी और कब तक लोग ऐसे ही बेमौत मरते रहेंगे। फरीदाबाद से पल्लव मिश्रा, NDTV इंडिया। और फरीदाबाद के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की। बरसात के इन दिनों में कई तरह के हादसे बारिश से जुड़े सामने आते हैं, और इनमें कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जिनमें इमारतें ही बारिश के दौरान गिर जाती हैं। इनमें से कई इमारतें पुरानी भी होती हैं। ऐसा ही हादसा मेरठ में हुआ। यहाँ बारिश के चलते एक 3 मंजिला इमारत ढह गई और एक ही घर के 4 परिवार बर्बाद हो गए। 10 लोगों की मौत हुई, 5 घायल हुए। ये रिपोर्ट देखिए। कहर बनकर बरसी बारिश, 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी, 10 लोगों की मौत। इस इलाके में मातम पसरा है। ऐसा हादसा हुआ है जिसने कई परिवार बर्बाद कर दिए हैं। शनिवार रात बारिश ऐसी बरसी कि 3 मंजिला एक इमारत ढह गई, एक ही परिवार के करीब 15 लोग दब गए। पर लोग नहीं बच पाए क्योंकि बरसात की वजह से मकान एकदम गिर गया, भरभरा करके मकान एकदम गिर गया, तो उसमें कोई कम लोग बचे हैं। बहुत मकान पुराना था, मकान मतलब ना ज़्यादा पुराना था ना ज़्यादा नया था। पर मरम्मत की जरूरत थी? मरम्मत की जरूरत हो भी सकती है, मैंने उस टाइम पे नहीं देखा था, पर यह है कि ऐसा नहीं था कि गिराऊ हो, है ना। वो बरसात रेगुलर पड़ी है तो इस वजह से पानी जो है, ये बरसात हल्की हल्की वाली पड़ी है तो उससे पानी अंदर तक जाता है, उससे डैमेज हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो एक के बाद एक शव निकलते गए। हादसे ने 10 लोगों की जान ले ली। मृतकों में 5 बच्चे हैं और 5 बालिक लोग भी हैं। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो पहला मंजिला यानी कि ग्राउंड फ्लोर का जो मकान था, वहाँ पर तपेला था जहाँ पर डेयरी का काम किया जाता था। इसी घर में इन भैंसों को रखा जाता था। तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूँ, फिलहाल एक भैंस का शव यहाँ से निकाला गया है। कुछ क्रेन यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किए जा रहे हैं। ऐसे में फिलहाल अभी तक यहाँ पर जो NDRF की और SDRF की टीम है, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत यहाँ पर 15 लोगों को बाहर निकाला है। तब सभी लोग एक ही परिवार के थे और जिसमें से अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी के 5 लोगों को अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये घटना शहर के जाकिर कॉलोनी इलाके की है। घर में मौजूद लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। तंग गलियों में करीब 300 गज एरिया में बने इस 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर भैंस पालकर ये परिवार डेयरी चलाता था। ऊपरी मंजिलों में 63 वर्षीय नफीस और उसके 3 बेटों के परिवार रहते थे, लेकिन अब ये परिवार पूरी तरह उजड़ चुके हैं। ये सबसे ज्यादा चुनौती का काम यहाँ पर जो रेस्क्यू में रहा वो ये था कि जो ये गलियाँ हैं, ये संकरी गलियाँ हैं, तो ऐसे में इन गलियों में क्रेन्स को लेकर और जेसीबी को अंदर लेकर आना सबसे बड़ी एक चुनौती थी, जिसकी वजह से समय ज़्यादा लगा। लेकिन जो 18 घंटे का ये रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, इसके चलते जिन 15 लोगों के बारे में पता चला था, उन सभी को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। मोहल्ले वालों का कहना है कि यह घर यहाँ सबसे पुराना था, इसकी मरम्मत होनी थी लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। ये सब गरीब कमजोर बस्ती है, पिछली जाति से तमाम लोग रहते हैं यहाँ पर, और मलिन बस्ती है ये,
पहले गरीब आदमी तीन बार मकान बनाता, फिर छोटा सा बनाता, फिर ऊपर बनाता, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है और तमाम पूरा शहर इसमें सोग में डूबा हुआ है। मलबे से लोगों को बाहर निकालने के बाद जख्मियों को LLRM मेडिकल कॉलेज भेजा गया। टोटल 9 पेशेंट्स आए थे और उसमें से 8 पेशेंट्स जो थे वो ब्रॉड डेड थे और एक पेशेंट जो है वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है और अभी ट्रीटमेंट में है, वो इस समय एडमिटेड है हमारे ट्रॉमा यूनिट में। इस कॉलोनी की गलियां संकरी हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती मशीनों को अंदर ले जाने में आई और सिर्फ छोटी मशीनों के जरिए ही बचाव कार्य को अंजाम दिया गया। थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है तो बहुत बड़ी मशीनरी और बहुत बड़े व्हीकल्स उसमें अंदर तक नहीं जा सकते, तो जितने ज्यादा छोटे छोटे व्हीकल्स एंड छोटी मशीनरी लगा के डेब्रिस को निकाला जा रहा है। एक बार डेब्रिस पूरा निकल जाएगा तो बिल्डिंग का बाकी का भी जो पोर्शन है जो बचा है उसको भी एक टेक्निकल पर्यवेक्षण में हम लोग डिमोलिश करके उसको भी बाहर निकालेंगे। बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही आसपास के लोग, प्रशासनिक अमला सब पहुंच गया, लेकिन मलबा बहुत ज्यादा था। इमारत में इस्तेमाल भारी लैंडरों के चलते मलबा हटाने में भी दिक्कत आई। एक हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। मेरठ से शुभांग सिंह, NDTV इंडिया। और अब खबर झारखंड से, जहां विधानसभा चुनाव अब करीब हैं और इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रांची पहुंचे और वहां मौसम खराब होने की वजह से जमशेदपुर नहीं पहुंच पाए, जहां उन्हें वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखानी थी। 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने आज हरी झंडी दिखाई, जो झारखंड के लिए एक बड़ी सौगात। इसके अलावा करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी और इसी मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को झारखंड का दुश्मन भी बता दिया। साल के अंत में विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे झारखंड को केंद्र सरकार की नई सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी भारत के लिए 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और ये सभी ट्रेन झारखंड से या तो शुरू होंगी या वहां से गुजरेंगी। आप जैसा देख सकते हैं कितना उत्साह यात्रियों। ये हैं टाटा नगर से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, भागलपुर दुमका होते हुए हावड़ा, ब्रह्मपुर से टाटानगर, गया से हावड़ा, देवघर से वाराणसी और राउरकेला से हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम के लिए जमशेदपुर पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उन्होंने रांची एयरपोर्ट से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, नई वंदे भारत ट्रेन झारखंड के औद्योगिक विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी। वंदे भारत टाटा नगर पटना अपने प्रथम यात्रा पर रवाना। उत्सव के इस माहौल में आज झारखंड को 6 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली है। झारखंड के अलग अलग शहरों में लोगों को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ हाई स्पीड सफर का अनुभव मिलेगा। इसका बड़ा फायदा मध्यम वर्ग को होगा, उद्यमियों को होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार और प्रगति के भी अवसर बनेंगे। वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद भी प्रधानमंत्री रैली के लिए जमशेदपुर गए। मौसम खराब रहा, लिहाजा हवाई मार्ग से जाने के बजाय प्रधानमंत्री कुछ देर बाद रांची से जमशेदपुर निकले। 130 किलोमीटर का सफर कर वो जमशेदपुर के गोपाल मैदान पहुंचे और बीजेपी की परिवर्तन महारैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर झारखंड में सत्तारूढ़ JMM और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथियों, झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं।
ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये तीन दुश्मन है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जिन इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा उनमें कोल्हान प्रमंडल शामिल हैं। यहाँ की 14 सीटों पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपनी परंपरागत सीट नहीं बचा पाए थे। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से उत्साहित बीजेपी को उम्मीद है कि इन सभी सीटों पर वो पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगी। रांची से हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट।